हम अपना मोर देन हाफ लाइफ किचन में ही स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग से उठ के टी बनाओ, फिर लंच बनाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ, डिनर बनाओ, आधे से ज़्यादा दिन हमारा किचन में ही निकलता है। और सबसे ज़्यादा इग्नोर, अगर डेकोरेशन की बात आती है तो सबसे ज़्यादा इग्नोर हम अपने किचन को ही करते हैं। किसी ने सच ही कहा है, किचन इज़ द हार्ट ऑफ द हाउस। सो गाइस, हम किचन को भी उतना ही ध्यान दें जितना हम अपने बाकी रूम्स की तरफ ध्यान देते हैं। हम अपने लिविंग रूम को, बेडरूम को अच्छे से सजा के रखते हैं और बहुत ही सुंदर बना के रखते हैं, लेकिन हम किचन को इग्नोर कर देते हैं। तो आज मैं अपने किचन टूर में जितना भी डेकोरेशन मैंने किया है अपने किचन के लिए, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाय एवरीवन, आई एम जैस्मिन और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ अपने किचन का टूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे किचन का एंट्रेंस, और एंट्रेंस पे डोर पे मैंने एक हैंगिंग लगा के रखी है जो मैंने खुद ही बनाई है। और ये मैंने बहुत ही, जो घर में सामान पड़ा रहता है उससे ही बनाई है, एक ओल्ड कार्डबोर्ड से, और इस पे मैंने कुछ पेंटिंग कर ली। तो ये देखिए, ये इस तरह से मैंने एक हैंगिंग बना दी। तो जब हम एंटर होते हैं मेरे किचन में, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने दो छोटे छोटे बास्केट्स लगा के रखे हैं, और एक बास्केट पे मैंने रखा है गार्बेज बैग्स, जो डेली रिक्वायरमेंट होती ही है हमें। और ऊपर वाले बास्केट में मैंने कुछ छोटे से बॉक्सेस रखे हैं जिसमें कपूर है, जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। और ये है अंडर द शेल्फ कैबिनेट। इसमें मोस्टली मैं अपने पूरे केक के जितने भी सामान है, मटेरियल है, वो मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ। जैसे कि आपने मेरे केक्स के वीडियो भी देखे होंगे, और जितना भी रिक्वायरमेंट है केक का, कुछ मशीन्स लगती है, हैंड बीटर, ब्रशेस, सीजर्स, सब कुछ मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। मैंने बास्केट्स यूज़ किए हुए हैं सो डैट ऑर्गेनाइज्ड रहे, और आपको जब भी कुछ भी ज़रूरत हो तो सामान इजीली मिल जाता है, मिसप्लेस नहीं होता है। तो इस तरह से आप अपने किचन में बास्केट्स यूज़ कर सकते हैं। ये छोटे छोटे जो हैंगिंग वो आते हैं, वो आप स्टिकर्स आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक पेपर लगा के रखा है, उसमें मैं जो भी सामान ख़त्म होता है वो मैं लिस्ट बना के रखती हूँ, तो जब भी हम बाहर जाते हैं तो वो सामान हम ले आते हैं। तो इस तरह से मेरा ये कैबिनेट लगता है। नेक्स्ट, बिल्कुल इस कैबिनेट के बाजू में मैंने ये हैंगिंग बास्केट्स लगा के रखे हैं, जो कि मैंने अपने किचन ऑर्गेनाइजर्स के वीडियो में, ये सारे ऑर्गेनाइजर्स मैंने शेयर किए थे। इसमें मैं एक बास्केट में मैं रखती हूँ छोटे से ट्रेज, जो छोटे छोटे ट्रेज रहते हैं। दूसरे बास्केट में मैंने रखा है अपना ये केक का टर्न टेबल, और ये अच्छे खासा वेट ले लेता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बास्केट्स हैं ये। और बिल्कुल उसके ऊपर एक शेल्फ है जिसमें मैं एक्स्ट्रा आइटम्स स्टोर करके रखती हूँ। और उसके ही बाजू में मैंने कुछ बास्केट्स लगा के रखे हैं, वहाँ भी मैं कुछ ग्लास बॉटल्स, हनी, घी और जो भी आइटम्स जो मुझे अलग से लगते हैं वो मैं स्टोर करती हूँ। यहाँ पे एक और मैंने बास्केट लगा के रखा है जिसमें मैं बड़े ट्रेज और चॉपिंग बोर्ड रखा है मैंने, और एक DIY मैंने बॉटल पेंट किया था वो मैंने हैंग करी हूँ यहाँ पे। और ये भी रैक मैंने आपको अपने ऑर्गेनाइज़र के वीडियो में दिखाया था, इसमें मैं रखती हूँ अनियंस, गार्लिक और पटेटोज़। एंड नीचे वाले शेल्फ में मैं रखती हूँ मिल्क के जो बॉक्सेस रहते हैं वो मैं रखती हूँ। ये है बेलन और पटा, इसको भी मैंने वॉल माउंटेड इसमें हैंगर में हैंग करके रखा हुआ है। तो आपका जो किचन काउंटर रहता है वो बिल्कुल फ्री रहता है। और ये है टॉवल हैंगर, इसमें आप इजीली फोर हैंगर्स सॉरी फोर टॉवल्स हैंग कर सकते हैं। और ये सारे ऑर्गेनाइजर्स मैंने अमेज़ोन से लिए हुए हैं। मेरे पास एक ग्लास का एक छोटा सा ट्रे था, तो उसमें मैं कुकर के वेसल्स और जो छोटे छोटे आइटम्स रहते हैं वो रखती हूँ, जो इजीली मिसप्लेस हो जाते हैं, तो वो मैं इसको एक कॉर्नर में रख देती हूँ। उसके बाजू में मैंने एक रैक रखा हुआ है, और उसमें नॉर्मली जो डेली कुकिंग में हमें रिक्वायर होता है, जीरा, राई, हिंग, सॉल्ट, ऑयल, बटर,
ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ। और उसके बाजू में एक छोटा सा मैंने मनी प्लांट रखा हुआ है जस्ट डेकोरेशन के लिए। आपको मेरे किचन में बहुत सारे प्लांट्स दिख जाएंगे। और उसके बिल्कुल ऊपर एक कैबिनेट है जिसमें मैंने कुछ दालें, छोले और दूसरे दूसरे टाइप्स की जो दाल्स होती हैं, उड़द दाल, चना दाल, वो मैंने स्टोर किया है। ये मेरे मसाले का कंटेनर है। इसमें तीन मसाले मैं एक साथ रखती हूँ जो मुझे डेली यूज़ आते हैं, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर और रेड चिली पाउडर। और यहाँ पे मैंने इसके पीछे एक फ्रिज का पुराना एक रैक था वो मैंने रखा हुआ है थोड़ा हाइट देने के लिए, सो डैट हम जो भी पीछे आइटम्स रखते हैं वो हमको इजीली दिखे। और उसके नीचे स्पेस था तो मैंने ऐसे मसाले जैसे कि तंदूरी चिकन पाउडर और खसखस जो मैं रेयरली यूज़ करती हूँ वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो इससे मुझे एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया और मुझे अपने जो पीछे जो रखे हैं बॉक्सेस उसके लिए एक हाइट भी मिल गई। आप जो भी आपके पास ओल्ड चीज़ें जो पड़ी रहती है आप उसको इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये है अंडर द शेल्फ रैक, इसमें मैंने अपने डेली यूज़ के टी कप्स रखे हुए हैं। और उसके नीचे मैंने रखा है टी, शुगर एंड सॉल्ट के कंटेनर, और उसके पीछे एक्स्ट्रा कंटेनर्स। और ये मैंने फ़ोन के बॉक्सेस यूज़ किए हैं इसको हाइट देने के लिए। थोड़ा सा मैंने वाइट पेंट कर दिया है वो बॉक्सेस को, एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉक्स है वो इजीली वेट ले लेते हैं तो इससे मुझे इजी होता है। अगेन मैंने ज़्यादा कुछ परचेज़ नहीं किया है, मैंने सिंपल कंटेनर्स जो मेरे पास थे वही मैं क्लीन करके अच्छे से मैं उनको रखती हूँ सो डैट वो कभी भी गंदे नहीं दिखते। और जो ग्लास कंटेनर्स होते हैं उनको थोड़ा केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। ये है मैंने एक टेक्सचर पेंटिंग का वीडियो भी डाला था तो ये वो जार्स है जिसको मैंने टेक्सचर पेंटिंग किया था, तो मैं एज अ डेकोरेशन उसको यहाँ यूज़ करती हूँ। कुछ मेरे पास एम्प्टी जेम्स की बॉटल्स रखी थी तो उसको मैंने पेंट करके यहाँ पे हैंगिंग और उसके अंदर मैंने कैंडल लगा के रखा है। ये छोटा सा शेफ, और ये है स्पून होल्डर, ये वुडन का स्पून होल्डर है। अगेन ये मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज़ किया था और मैंने इसको पेंट किया है। दोनों साइड मैंने डिफरेंट डिज़ाइन दिया है सो डैट हम चेंज कर सकते हैं इसको। और छोटे छोटे मेरे पास ये बास्केट्स थे उसको भी मैंने ऐसे विंडो पे हैंग किया है। प्लेन विंडो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए मैंने कुछ उसमें डेकोरेशन किया, हैंगिंग्स लगा के रखी है। आप जितना अपने किचन को अच्छे से डेकोरेट करेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम आपको अपने किचन में बिताने की इच्छा होगी और आपको मज़ा आएगा किचन में काम करने से। तो ये इस तरह से इस साइड का मेरा किचन दिखता है। आप देख सकते हैं कि मैंने काउंटर बिल्कुल एम्प्टी रखा हुआ है सो डैट मुझे अच्छा स्पेस मिले काम करने के लिए। और ये है सिंक, और सिंक के ऊपर मैंने एक छोटा सा बास्केट लगा के रखा है जिसमें मैं अपने ब्रश रखती हूँ और उसका पानी सीधा सिंक में निकल जाता है एक्स्ट्रा पानी। और ये सोप डिश पे मैंने एक ट्रे रखा हुआ है सो डैट उसका भी जो पानी हो वो उस ट्रे में ही रहे। सिंक के ऊपर अगेन एक कैबिनेट है, उसमें भी मैंने जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम स्टोर करके रखते हैं वो सब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। मैं ट्राई करती हूँ हमेशा कि मैं छोटे बास्केट्स यूज़ करूँ कंटेनर्स रखने के लिए जो इजी होते हैं निकालने के लिए और यूज़ करने के लिए, और ऑर्गेनाइज्ड रहता है आपका किचन। मैंने कोई भी फैंसी कंटेनर्स यूज़ नहीं किए, बिल्कुल सारे सिंपल कंटेनर्स हैं। और कैबिनेट के ऊपर ये मैंने छोटे छोटे बास्केट्स रख दिए हैं और इसमें एक आर्टिफिशियल मनी प्लांट। ये भी एक प्लास्टिक की बोतल थी मेरे पास, उसमें मैंने पानी डाल के मनी प्लांट लगा के रखा है।
तो जहाँ भी मुझे जगह मिलती है मैं वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स रख देती हूँ। अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ट्रॉलीज कैसे अरेंज की हुई है। यहाँ पे कुछ चाय के बर्तन और कैसेरोल वगैरह मैंने रखा है। उसके नीचे मैंने बड़े बर्तन रखे हैं, कढ़ाई जो बड़ी कढ़ाई है, बड़े बर्तन जो हमें लगते हैं, और थालियाँ जो रहती है वो मैंने रखा है। यहाँ पे ग्लास की बॉटल्स और कुछ प्लास्टिक कंटेनर्स छोटे वाले जिसमें मसाले और एक्स्ट्रा जो आइटम्स रहते हैं वो मैंने रखे हैं। यह स्पून रखने के लिए मैट्स लगा के रखा है सो डैट क्लीनिंग के लिए इजी होता है। और यहाँ छोटे बाउल्स रखे हैं मैंने। उसके बिल्कुल नीचे डेली यूज़ के जो कुकर होते हैं और जो छोटे बर्तन होते हैं दाल और राइस बनाने के लिए वो मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने डिश वॉशर का सामान रखा है एक हैंगिंग बास्केट में। डिश वॉशर का लिक्विड, डिटर्जेंट जो भी रिक्वायरमेंट रहती है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये बिल्कुल यहाँ पे मैं सिलेंडर रखती हूँ तो मुझे काफ़ी स्पेस मिल गया हैंगिंग करने के लिए। और ये सब अंदर में रहता है, ये एक मैंने हैंगर लगा के रखा है तो ये अंदर की तरफ चला जाता है और आपको क्लटर फ्री दिखता है आपका किचन। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स और यहाँ पे बड़ी प्लेट्स एंड बड़ी थालीज जो हम डेली यूज़ करते हैं वो मैंने अरेंज करके रखा हुआ है। दूसरे साइड का मैंने काउंटर आपको अभी तक दिखाया नहीं है तो मैं वहाँ की ट्रॉलीज पहले दिखाती हूँ आपको। ये टिफ़िन, मेरी बेटी के स्कूल के टिफ़िन बॉटल्स सब मैंने बड़े कंटेनर्स में डाल के रखे हैं ताकि वो डस्ट फ्री रहें। और यहाँ पे बड़ा कुकर जो रेयरली मैं यूज़ करती हूँ, ओकेशनली यूज़ करती हूँ, वो मैंने रखा है। तवा और कुछ एक्स्ट्रा बास्केट्स, अगेन ये यहाँ पे बड़े कंटेनर में मैंने थर्मस और एक्स्ट्रा बॉटल्स रखी हुई है। और ये सिल्वर फॉइल, टिफ़िन और ये छोटे से बॉक्स में मैंने किचन के टॉवल्स रखती हूँ मैं। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स जो ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे बास्केट्स लगते हैं, एक्स्ट्रा बास्केट्स मैं यहाँ पे स्टोर करके रखती हूँ। और जो हैवी कंटेनर्स हैं जैसे कि आटे का कंटेनर, राइस, दाल और पोहे का, तो वो मैं यहाँ पे रखती हूँ शेल्फ में। और सारी चीज़ अंदर की तरफ रहती है, कुछ भी बाहर से नहीं दिखता है और बाहर से आपका किचन बिल्कुल क्लीन एंड टाइडी लगता है, ऑर्गेनाइज्ड लगता है। तो जितना हो सके आप अपनी चीज़ों को काउंटर टॉप पे ना रखें, जितना हो सके सब चीज़ें अंदर की तरफ रखें। यहाँ पे मैंने दो शेल्फ लगा के रखे हैं जो काफ़ी हाइट इनकी काफ़ी है तो मैंने सिर्फ कुछ बॉटल्स पेंट किए थे और मैंने प्लांट्स, मैंने एज अ डेकोरेशन वो शेल्फ यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने मेडिसिन रखी हुई है ये दोनों बास्केट्स में। इसको भी मैंने डेकोरेशन के लिए ही यूज़ किया है। और एक छोटा सा हैंगिंग बास्केट जिसमें मैं छोटी छोटी बॉटल्स रखती हूँ, हाजमोला की बॉटल या फिर टूथपिक्स, ये सब मैं यहाँ पे रखती हूँ। उसके बिल्कुल नीचे मैंने ड्राई फ्रूट्स का कंटेनर्स रखे हुए हैं और ये नीचे इसलिए रखे हैं ताकि मेरी बेटी कभी भी उस ले सकती है उसको जब भी चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये जो शेल्फ्स हैं वो मैंने इस तरह से यूज़ किए हुए हैं। और ये है डिश वॉशर। मैंने किचन में फ्रिज नहीं रखा है क्योंकि मेरे किचन में जगह नहीं है। क्योंकि आई डोंट हैव अ यूटिलिटी एरिया तो मुझे डिश वॉशर अपने किचन के अंदर ही रखना पड़ता है। और मैंने अपने दोनों फ्रिज बिल्कुल किचन के डोर के पास में बाहर में रखे हुए हैं। तो ये डिश वॉशर किचन में रहने से बहुत ईजीली उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। और इसके बाजू में थोड़ा सा स्पेस खाली था तो मैंने एक रबर प्लांट रख दिया और यहाँ पे एक स्नेक प्लांट। अब मैं आपको दूसरा काउंटर टॉप दिखाती हूँ। ये काउंटर टॉप मेनली मैं
अपना बेकिंग से रिलेटेड, केक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो भी काम है वो मैं इस काउंटर पे करती हूँ, और इसलिए मैंने इसको भी कोशिश की है कि इसको भी मैं एम्प्टी रखूँ। फोल्डिंग रैक है, मैं कभी भी उसको हटा लेती हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती तो मैं उसको फोल्ड करके रख देती हूँ। ये मैंने जूसर इसमें रखा हुआ है, ये टर्न हो जाता है इजीली, और आप इजीली कोई भी सामान पीछे भी रहे तो भी आप इसको टर्न करके ले सकते हैं। जूसर एंड उसका जो जार होता है वो मैंने यहाँ कॉर्नर में रखा है, और फोल्डिंग रैक पे मैंने मिक्सर ग्राइंडर रखा है, और जब मुझे ज़रूरत नहीं रहती तो मैं ये फोल्ड करके इसको साइड में रख देती हूँ। यहाँ पे कॉफ़ी मग्स, और बिल्कुल उसके ऊपर हमारा माइक्रोवेव रखा हुआ है। कम से कम सामान मैंने ऊपर रखा है, अगेन ये ऊपर का शेल्फ जस्ट फॉर डेकोरेशन। यहाँ मैंने कुछ अपने केक्स के फ्रेम्स भी यूज़ किए हुए हैं, जो जो केक्स मैं बनाती हूँ मैं उनकी फ़ोटोज़ लेके उनको फ्रेम करके भी रखती हूँ। ये है मेरे मिक्सर ग्राइंडर के जार्स। तो इस तरह से ये काउंटर मेरे दूसरे पर्पस के लिए यूज़ हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स द अदर साइड ऑफ द किचन। और ये एंट्रेंस से इस तरह से दिखता है। ओवरहेड मैंने मेरे पास कुछ कैबिनेट्स हैं, ये जो ओवरहेड कैबिनेट्स हैं, और इसमें मैं जो भी चीज़ें मुझे बहुत कम यूज़ में आती है वो सब मैं यहाँ पे स्टोर करके रखती हूँ। प्लास्टिक कंटेनर्स हो गए या फिर एक्स्ट्रा बास्केट्स हो गए, कुछ भी एक्स्ट्रा सामान मैं यहाँ पे स्टोर करके रखती हूँ। तो इस तरह से ये ओवरहेड कैबिनेट्स दिखते हैं। ये मैंने DIY किया था, जो जैम की बॉटल्स मैंने आपको हैंगिंग में दिखाई, तो ये रात को इस तरह से अगर आप इसमें कैंडल लगाएंगे तो ये इस तरह से दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है, और आप कभी भी इसको लगा सकते हैं। इस तरह से ये दिखता है रात के टाइम। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये किचन टूर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।